दिल्ली क्राइम ब्रांच ने आईएसआई के जो एजेंट्स पकड़े हैं उनके निशाने पर भोपाल भी था। वो भोपाल में अपना नेटवर्क खड़ा करना चाहते थे और इसी संबंध में देश की दूसरी सुरक्षा एजेंसियों के साथ मध्य प्रदेश पुलिस ने भी दिल्ली पहुंचकर पकड़े गए ऐसा एजेंट से गहन पूछताछ की और ये सच पता करने की कोशिश की कि आखिर उनका भोपाल से क्या कनेक्शन था। कैफतुल्लाह खान और अब्दुल रशीद पाकिस्तानी खुफिया एजेंसी के वो एजेंट जो हिंदुस्तान के सैन्य ठिकानों की जानकारियां जुटा रहे थे, जो आईएसआई के लिए नए एजेंट भरने की फिराक में थे, इनकी नजर भोपाल पर थी। कैफतुल्लाह को दिल्ली क्राइम ब्रांच ने उसी वक्त रेलवे स्टेशन से गिरफ्तार किया था जब वो भोपाल जा रहा था। आखिर क्या था आईएसआई एजेंटों का भोपाल कनेक्शन? आईएसआई का भोपाल कनेक्शन, एजेंट बना रहे थे भोपाल में आईएसआई का नेटवर्क। आईएसआई के एजेंटों के भोपाल कनेक्शन के बारे में जानने के लिए ही एमपी पुलिस ने भी दिल्ली पहुंचकर आईएसआई एजेंटों से पूछताछ की। इंटेलिजेंस एजेंसीज भी कर रही हैं, मध्य प्रदेश पुलिस भी कर रही है, बीएसएफ भी कर रही है। बताया जा रहा है कि ये पूछताछ करीब 10 घंटे चली। इस पूछताछ के जरिए पुलिस ये पता लगाने की कोशिश कर रही है कि क्या इन आईएसआई एजेंटों ने भोपाल में अपना कोई नेटवर्क खड़ा कर लिया था या नहीं। क्या ये भोपाल के कुछ लोगों को अपने मंसूबों में शामिल करने वाले थे? आखिर भोपाल इन एजेंटों के निशाने पर क्यों था? आईएसआई की साजिश के बाद सुरक्षा एजेंसियां अलर्ट। मध्य प्रदेश में बढ़ाई गई अहम स्थानों की सुरक्षा। आईएसआई के जासूस जो खुलासे कर रहे हैं और जिस तरह से ये सामने आया है कि भोपाल पर इनकी नजर थी, उसको देखते हुए भोपाल समेत प्रदेश भर के प्रमुख स्थानों की सुरक्षा व्यवस्था बढ़ा दी गई है। आईजी के निर्देश पर वल्लभ भवन समेत तमाम सरकारी भवनों में हथियार बंद जवानों को तैनात किया गया है। दिल्ली में संदिग्ध आईएसआई एजेंट के पकड़े जाने के बाद कहीं ना कहीं मध्य प्रदेश में भी सुरक्षा व्यवस्था चाक चौबंद कर दी गई है। वल्लभ भवन में भी सुरक्षा व्यवस्था बढ़ा दी गई है और हथियार के साथ जवानों को तैनात कर दिया गया है। दिल्ली में जिस तरह से संदिग्ध आईएसआई एजेंट के मंसूबे साफ तौर पर जाहिर हुए हैं कि भोपाल आकर आईएसआई का एक नेटवर्क खड़ा करने की तैयारी थी, इस पूरे घटनाक्रम के बाद आईजी लॉ एंड ऑर्डर के निर्देशों पर मंत्रालय के साथ साथ तमाम महत्वपूर्ण स्थलों पर हथियार बंद सुरक्षा गार्ड तैनात कर दिए गए हैं। और कहीं ना कहीं इस दृष्टिकोण से भी ये महत्वपूर्ण हो जाता है कि आईएसआई का नेटवर्क और मजबूत करने की कोशिश आईएसआई के गुर्गे कर रहे हैं। फिलहाल आईएसआई के जासूसी नेटवर्क से सुरक्षा एजेंसियों की पूछताछ जारी है और हो सकता है कि पूछताछ में कुछ और चौंकाने वाले खुलासे सामने आए। बहरहाल आईएसआई के इस जासूसी नेटवर्क के खुलासे के बाद सुरक्षा एजेंसियां और चौकन्नी और चौकस जरूर हो गई है। मकरंद काले, जी मीडिया, भोपाल। कश्मीर से कन्याकुमारी तक पाकिस्तानी खुफिया एजेंसी आईएसआई ने आतंक फैलाने का सुपर प्लान बना रखा है। आईएसआई ने भारत में अपनी साजिश को अंजाम देने के लिए जासूसों का एक पैन इंडिया नेटवर्क तैयार कर लिया। भारतीय खुफिया एजेंसियां कश्मीर से मेरठ तक आधा दर्जन से ज्यादा गिरफ्तारियां कर आईएसआई की नापाक साजिश का भंडाफोड़ कर चुकी हैं। लेकिन कैसा है पाकिस्तानी जासूसों का पैन इंडिया नेटवर्क, आप इस रिपोर्ट में देखिए। एक तरफ तो पेरिस में वर्ल्ड क्लाइमेट समिट में पीएम मोदी और नवाज शरीफ की मुलाकात से दोनों मुल्कों के रिश्तों की फिजा बदल रही थी, वहीं भारत में दिल्ली पुलिस, आईबी, रॉ और सेना नवाज शरीफ की बदमाशियों के सबूत जुटा रही थी। पाकिस्तानी खुफिया एजेंसी आईएसआई के इन जासूसों की गर्दन अगर भारतीय सुरक्षा एजेंसियों के शिकंजे में नहीं आई होती तो बड़ा धमाका हो सकता था। आईएसआई ने भारत में आतंक फैलाने के लिए स्लीपर सेल का एक पैन इंडिया नेटवर्क तैयार किया है। खुफिया एजेंसियों ने आईएसआई का पैन इंडिया नेटवर्क ध्वस्त कर उसकी कमर तोड़ दी है। आईएसआई की सबसे बड़ी साजिश को खुफिया एजेंसियों और दिल्ली पुलिस ने नाकाम कर दिया है। इन गिरफ्तारियों के जरिए आईबी ने आईएसआई के पैन इंडिया नेटवर्क को तोड़ दिया है।
नई दिल्ली, जम्मू, मेरठ और कोलकाता से 6 आईएसआई एजेंट को गिरफ्तार किया गया है। तारीख 26 नवंबर, जगह मेरठ, नाम एजाज, धंधा भारत में आतंक फैलाना। तारीख 28 नवंबर, जगह इकबालपुरा, कोलकाता, नाम इरशाद अंसारी, धंधा भारत में आतंक फैलाना। तारीख 28 नवंबर, जगह इकबालपुरा, कोलकाता, नाम अशफाक अंसारी, धंधा भारत में आतंक फैलाना। तारीख 28 नवंबर, जगह इकबालपुरा, कोलकाता, नाम मोहम्मद जहांगीर, धंधा भारत में आतंक फैलाना। तारीख 28 नवंबर, जगह दिल्ली, नाम कैफतुल्ला खान, धंधा भारत में आतंक फैलाना। तारीख 29 नवंबर, जगह जम्मू, नाम अब्दुल रशीद, धंधा भारत में आतंक फैलाना। इन जासूसों की गिरफ्तारी अलग अलग शहरों से हुई है, लेकिन सबका जुर्म एक ही है, पाकिस्तानी खुफिया एजेंसी आईएसआई के लिए जासूसी करना। इनकी गिरफ्तारी के बाद कई चौंकाने वाले खुलासे हुए हैं, तो सावधान, भारत के हर घर, हर गली, हर इलाके में फैल चुका है आईएसआई का नेटवर्क। अगर आपके इलाके में कोई अनजाना शख्स नजर आता है तो हो जाइए सावधान। अगर कोई अनजान शख्स आपसे फोन, मेल, ट्विटर या फेसबुक पर मुलाकात करने, बात करने की कोशिश करता है, तो मुलाकात से पहले, किसी तरह की बातचीत से पहले ये तस्दीक जरूर कर ले कि कहीं वो आईएसआई का एजेंट तो नहीं है, कहीं वो आईएसआई के आतंकी नेटवर्क का हिस्सा तो नहीं है, क्योंकि भारत में हर तरफ फैले हुए हैं आईएसआई के आतंकी किरायेदार। जितेंद्र शर्मा और मनीष शुक्ला के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। तो भारत में आईएसआई के जासूसों की गिरफ्तारी से कई बड़े खुलासे हुए हैं। आईएसआई एजेंट गद्दारी की कोडवर्ड के जरिए आपस में बातचीत करते थे, अहम खुफिया जानकारी शेयर करते हैं। भारत में मौजूद आईएसआई के ये सपोले बड़े टेक्नोसेवी भी हैं। फेसबुक, ट्विटर और मेल के जरिए खुफिया सूचनाएं पाकिस्तान भेजकर भारत के पीठ पर छुरा घोंप रहे थे। तो क्या है आतंक का कोडवर्ड, देखिए इस रिपोर्ट में। आईएसआई ने हिंदुस्तान में आतंक फैलाने के लिए पैन इंडिया नेटवर्क तैयार किया है। ये नेटवर्क स्लीपर सेल का है। पाकिस्तानी खुफिया एजेंसी आईएसआई ने पैन इंडिया नेटवर्क के लिए एक सुपर प्लान बनाया है। आज हम आईएसआई के इस सुपर प्लान का राजपाश करेंगे। इस सुपर प्लान में शामिल था लोकल लोगों का भरोसा जीतना, दोनों हाथों से पैसे खर्च करना और सारी कार्यवाही में कोड वर्ड का इस्तेमाल करना, ताकि आतंकी साजिश का भेद न खुल सके। पाकिस्तानी जासूसों से पूछताछ और उनके मोबाइल से मिली रिकॉर्डिंग के बाद ही सुरक्षा एजेंसियां कोड वर्ड को तोड़ने में कामयाब रही। ये सभी जासूस एक दूसरे से कोड वर्ड में ही बात किया करते थे। गद्दारी का ये कोड वर्ड क्या है, पहले इस पर एक नजर। आपसी बातचीत में आईएसआई का हैंडलर और एजेंट कुछ खास लफ्जों का इस्तेमाल करते हैं। खुफिया जानकारी के लिए दवा कोड वर्ड का इस्तेमाल, लीक दस्तावेजों के लिए एक्सरे कोड वर्ड का इस्तेमाल, पाकिस्तानी खुफिया एजेंसियों के अधिकारियों के लिए नाम की जगह कोड वर्ड भाईजान का इस्तेमाल, और आर्मी और बीएसएफ के अधिकारियों और कर्मचारियों के लिए डॉक्टर और सर्जन कोड वर्ड का इस्तेमाल। सिक्योरिटी डिप्लॉयमेंट ऑफ फोर्सेज, बीएसएफ का डिप्लॉयमेंट, उसी के वो टेक्निकल वर्ड्स भी हैं, जिसमें जैसे ऑर्बिट बोलते हैं कि ऑर्डर ऑफ बैटल, ये सारी चीजें वो टेक्निकल टर्म्स हैं। जब ये फोन पे बात करते थे तो कुछ कोड वर्ड वगैरह यूज करते थे, तो वो सारा इंट्रोगेशन अभी चल रहा है। खुफिया एजेंसियों के मुताबिक आईएसआई ने अपने जासूसों का पैन इंडिया रिंग बना लिया है। पाकिस्तानी जासूस कैफतुल्ला खान और बीएसएफ के हेड कांस्टेबल अब्दुल राशिद की गिरफ्तारी के बाद जासूसी के पैन इंडिया रिंग का खुलासा हुआ है। आपस में रिश्तेदार कैफतुल्ला और अब्दुल राशिद ईमेल, व्हाट्सएप और मैसेज के जरिए आईएसआई को खुफिया जानकारियां देते थे। दोनों के पास से राष्ट्रीय सुरक्षा से जुड़े दस्तावेज मिले हैं। दिल्ली क्राइम ब्रांच के मुताबिक पुलिस को छापेमारी में सैकड़ों कॉन्फिडेंशियल पेपर और इन्फॉर्मेशन बरामद हुई है। पुलिस ने दोनों आईएसआई एजेंट के पास से बेहद संवेदनशील और सीक्रेट दस्तावेज भी बरामद किए हैं।
पुलिस को जासूसों के पास से युद्ध के आदेशी संबंधी दस्तावेज, युद्ध की तैयारी के दस्तावेज, जम्मू कश्मीर में बीएसएफ की तैनाती से जुड़े दस्तावेज और कश्मीर में वायुसेना के लड़ाकू विमानों की तैनाती से जुड़े दस्तावेज बरामद हुए हैं। खुफिया एजेंसियों के मुताबिक भारत में आईएसआई के आतंकी किराएदार का पूरा नेटवर्क तीन हिस्सों में बटा हुआ है। कैटेगरी वन में शामिल जासूस आईएसआई से सीधे पैसे हासिल करते हैं और इस रकम का इस्तेमाल नया कैडर बनाने और आतंकी कार्रवाइयों में खर्च किया जाता है। आईएसआई एजेंट नए गुर्गों की खोज के लिए देश भर की यात्रा करते हैं। जासूसी में शामिल लोगों को हर महीने पैसे दिए जाते हैं। आईएसआई नेटवर्क में शामिल एजेंट्स का सीधा कनेक्शन आईएसआई के बड़े अफसरों और पाकिस्तानी आर्मी के अफसरों के साथ रहता है। आईएसआई के पैन इंडिया रिंग के कैटेगरी 2 में लोकल इन्फॉर्मर शामिल होते हैं। ये खबरी टारगेट की रेखी करते हैं, खुफिया तौर पर टारगेट की तस्वीरें लेते हैं, वीडियो फिल्म बनाते हैं, सेना के मूवमेंट, नए हथियार और अहम ठिकानों की जानकारी इकट्ठा करते हैं। इसके लिए बाकायदा इन्हें असाइनमेंट बेसिस पर पैसे दिए जाते हैं। उसको टास्क किया गया था कि आप और लेके आइए, जैसे एयरफोर्स स्टेशन का लेके आइए और बदामी बाग कंटोनमेंट एरिया है उसका लेके आइए और जो भी कोशिश करिए कि जहाँ पे बीएसएफ का पूरी बॉर्डर पे कहाँ पे कितना डिप्लॉयमेंट है ताकि ये इन्फिल्ट्रेशन कर सकें। कैटेगरी 3 में लोकल स्लीपर सेल शामिल होते हैं जिनमें नौजवानों को शामिल किया जाता है। नए जासूसों की भर्ती के लिए ये स्थानीय नौजवानों को टारगेट करते हैं। नई भर्ती के बाद जासूसों को 6 से 9 महीने की ट्रेनिंग के लिए पाकिस्तान भेजा जाता है। बांग्लादेश या फिर नेपाल के रास्ते नौजवान आतंक की ट्रेनिंग के लिए पाकिस्तान जाते हैं। भारत में आईएसआई के आतंकी किराएदार के ग्रुप को तोड़ने के लिए खुफिया एजेंसियां बड़े पैमाने पर दबिश डाल रही हैं। खुफिया एजेंसियों की नजर यूपी, बंगाल, जम्मू कश्मीर, दिल्ली समेत बिहार, एमपी और राजस्थान पर भी है, क्योंकि आईएसआई ने कश्मीर से कन्याकुमारी तक आतंकी किराएदार सेट कर रखे हैं। जितेंद्र शर्मा और मनीष शुक्ला के साथ आनंद तिवारी, जी मीडिया, दिल्ली। भारत का दुश्मन नंबर 1 दाऊद इब्राहिम पाकिस्तान की पनाह में है, ये बात किसी से छिपी नहीं, लेकिन पाकिस्तान है कि दाऊद के अपने जमीन पर होने से बार बार इनकार करता है। पाकिस्तान दाऊद को पनाह देने के एवज में उसका इस्तेमाल भारत के खिलाफ कर रहा है। इसके अलावा आईएसआई ने भारत के खिलाफ जैश ए मोहम्मद, लश्कर ए तैयबा और हिजबुल मुजाहिदीन को एक होने का हुक्म दिया है। आखिर इसकी वजह क्या है, इस रिपोर्ट में देखिए। दिल्ली पुलिस ने कहा है कि पाकिस्तान हाई कमीशन अंडर जो है सर्विलांस है, क्योंकि जिस तरह से आईएसआई का जो मिला उसे किस तरह देखते हैं आप सपोर्ट करेंगे दिल्ली पुलिस की पूरी इन्वेस्टिगेशन को? हाँ सर, दिल्ली पुलिस। ये है पाकिस्तान का सच। भारत में जासूस भेजने के सवाल पर किस तरह कैमरे से बचने की कोशिश कर रहे हैं भारत में पाकिस्तान के डिप्टी हाई कमिश्नर उबैदुर रहमान। जासूसी के सवाल पर जनाब को कोई जवाब नहीं सूझ रहा था, इसलिए माइक देखकर रफू चक्कर हो लिए। दिल्ली पुलिस ने कहा है कि पाकिस्तान हाई कमीशन अंडर जो है सर्विलांस है, क्योंकि जिस तरह से आईएसआई का जो मिला उसे किस तरह देखते हैं आप सपोर्ट करेंगे दिल्ली पुलिस की पूरी इन्वेस्टिगेशन को? हाँ सर, भारत का सबसे बड़ा दुश्मन पाकिस्तान की पनाह में है, ये फिर साबित हुआ है। भारतीय खुफिया एजेंसियों को मिली जानकारी के मुताबिक अंडरवर्ल्ड डॉन दाऊद इब्राहिम पाकिस्तान में ही रह रहा है, हालांकि वो वक्त वक्त पर अपनी लोकेशन बदलता रहता है। सूत्रों के मुताबिक भारत ने पाकिस्तानी अधिकारियों से दाऊद इब्राहिम के बारे में उनके पास उपलब्ध सूचनाएं मांगी हैं। साथ ही दाऊद के पासपोर्ट और सुर्खियों में आए पाक में उसके अलग अलग ठिकानों के बारे में भी पूछा है। गौरतलब है कि इससे पहले भी भारत ने पाकिस्तान को दाऊद इब्राहिम के बारे में पुख्ता जानकारी दी थी, उसके कई पते ठिकाने भी पाकिस्तान के साथ साझा किए थे। इस बारे में कई बार पाकिस्तान को बताया जा चुका है, लेकिन पाकिस्तान भारत के सबसे बड़े दुश्मन को पनाह देने में कोई कोताही नहीं कर रहा है। भारत के खिलाफ पाकिस्तान ने ट्रिपल अटैक की भी साजिश रची है। सुरक्षा एजेंसियों को मिली जानकारी के मुताबिक भारत में दहशतगर्दी फैलाने वाले 3 संगठन जैश ए मोहम्मद, लश्कर ए तैयबा और हिजबुल मुजाहिदीन एक हो गए हैं और अगले 1 महीने में भारत में बड़े हमले की तैयारी में है। ये मल्टी एजेंसी सेंटर की चेतावनी है। आईएसआई ने जैश, लश्कर और हिजबुल को मिलकर काम करने को कहा है। हाल में जम्मू कश्मीर के तंगधार में बड़ा आतंकी हमला हुआ था, इसकी जिम्मेदारी जैश ए मोहम्मद ने ली थी। अरसे बाद जैश ऐसे बड़े हमले को अंजाम दे पाया था
सुरक्षा एजेंसियां बता रही हैं कि अब पाकिस्तान की आईएसआई के इशारे पर जैश, हिजबुल मुजाहिदीन और लश्कर तीनों मिलकर एक हो गए हैं। ये भारत के लिए बड़ा खतरा है। मनीष शुक्ला के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया।